सो गाइस यहाँ पे बजट को अपने लाते हैं थोड़ा सा नीचे। जी हाँ गाइस, आज बात करेंगे बेसिक 25,000 रुपये में कौन सा ऐसा बेस्ट लैपटॉप मिलेगा आपको जहाँ पे आप सारे काम कर सकते हो। यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेसर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही 8 GB की रैम, 512 GB की SSD मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी गाइस 25,000 तो सिर्फ बोलने का है, यहाँ पे आपको 20,000 रुपये से लैपटॉप शुरू हो जाएंगे मिलना। काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स होने वाले हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये गाइस बात करते हैं इन लैपटॉप्स के बारे में। तो गाइस पहले लैपटॉप के बारे में बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स का X3 स्लिम लैपटॉप। सो गाइस ये जो लैपटॉप है इसमें आपको टॉप नॉच प्रोसेसर देखने को मिलता है i3 का 12th जनरेशन। सो आप देख सकते हो 1215U का प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है, 8 GB ऑफ रैम है, 512 GB की SSD है। थिन एंड लाइट सीरीज़ का लैपटॉप है, 14 इंच का है एंड आपको इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी मॉडर्न लुक के साथ में आता है एंड लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे बैंक्स के ऑफर अलग से चल रहे हैं तो उसको ऐड करोगे तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी मैं आपका उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लैपटॉप है, इसको आप आग बंद करके ले सकते हो। अब गाइस यहाँ पे बात करेंगे इसी बजट में, थोड़ा सा कम बजट में 23 से 24 हज़ार रुपये के रेंज में आपको टेक्नो का मेगाबुक T1 देखने को मिलता है, i3 का 11th जनरेशन का प्रोसेसर है। सो गाइस ऐसे लैपटॉप्स बता रहा हूँ जिनमें आप बेसिकली आराम से प्रोफेशनल काम या फिर स्टूडेंट वाले काम कर सकते हो। यहाँ पे 8 GB रैम, 512 GB की SSD, 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, तो अच्छी बात है, मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए आपको हेल्प होने वाला है। और ये काफ़ी स्लिम सा लैपटॉप है, 14.8 mm के थिकनेस के साथ में आता है और आपको बड़ी बैटरी 70 Wh की देखने को मिलती है। लैपटॉप दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे लुक्स के बारे में आप देखना चाहोगे तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लुक्स के हिसाब से। बाकी लिंक मैं आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस लेनोवो के V15 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कोई AMD राइजन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलता है ये नहीं बताया गया। सो गाइस यहाँ पे आपको एथलन सीरीज़ का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, AMD राइजन का। बाकी आपको इसमें 4 GB रैम, 512 GB की SSD मिलती है। सो गाइस इसको भी कंसिडर करने के लिए आप ऑप्शन में रख सकते हो, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। यहाँ पे गाइस एसर का 114 बिजनेस लैपटॉप के बारे में बात करेंगे। वाकई में प्रोसेसर पुराना है बट यहाँ पे प्रोसेसर काम में आ जाएगा आपका। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेसर काम नहीं करने वाला है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट एज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप बन जाता है क्योंकि ये नॉर्मल टास्क काफ़ी ईजिली हैंडल कर लेगा। 8 GB रैम, 256 GB की SSD मिलेगी और साथ ही आपको 14 इंच का HD डिस्प्ले मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे 26,000 रुपये इसका प्राइस दिखा रहा है बट आप देख सकते हो 1,000 रुपये का अलग से कूपन चल रहा है तो वहाँ पे आपको और एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो 25,000 रुपये के रेंज में इससे बेटर चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब गाइस लेनोवो का V15 एक और बार आता है। यहाँ पे ये G4 सीरीज़ है, AMD का। यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलेगा एथलोन का सिल्वर जो कि 7120U है, लेटेस्ट है। यहाँ पे 8 GB रैम, 512 GB की SSD भी मिलेगी, 15.6 इंच का आपको डिस्प्ले मिलेगा। तो 24,000 रुपये के रेंज में ये भी वन ऑफ़ द बेस्ट लैपटॉप है। अगर कंसिडर करना चाहो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा तो आप वहाँ से चेकआउट करना। बाकी बैंक्स के ऑफर चल रहे होंगे तो एक दो हज़ार का डिस्काउंट आपको एडिशनल देखने को मिलेगा। लैपटॉप प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है बट आपको स्टडी देखने को मिलेगा, तो एज सच बिल्ड क्वालिटी से कोई आपको इशू नहीं आने वाली। एक और लैपटॉप बताऊंगा इसी सीरीज़ का जो कि ऑल्टरनेट आप समझ सकते हो लेनोवो V15 का, जहां पे आपको सेलरॉन N4500 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। बाकी स्पेसिफिकेशन सेम होने वाली है, 256 GB की SSD मिलेगी। बाकी लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा बट इसका प्राइस देखो 21,000 रुपये। सो अगर आपका बजट 20,000 रुपये से शुरू हो रहा है तो आप इसको आग बंद करके खरीदो, आपका नॉर्मल टास्क जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ये काफ़ी आराम से हैंडल कर लेगा। बाकी का इस लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा HP के बारे में। तो HP का 15 लैपटॉप आता है 26,000 रुपये के प्राइस रेंज में, जहाँ पर आपको इंटेल का सेलरॉन N4500 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि प्रीवियस वाले लेनोवो के लैपटॉप में मिल रहा है। बट इसी में आपको प्राइस देखो तो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहा है, 26,000 रुपये, 8 GB रैम, 512 GB की SSD मिल रही है। तो अगर आपको HP का ही लैपटॉप लेना है तो ये आपके पास ऑप्शन है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी सभी लैपटॉप का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। सो बस गाइस यहाँ मैंने आपको सारे लैपटॉप्स दिखा दिए और अपने प्राइस के हिसाब से सभी लैपटॉप बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से फटाक से खरीद लो। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।